हमारी दुनिया हमने कितनी देखी है या अब तक हम कितनी देख पाए हैं? क्या हम पृथ्वी के कोने कोने को खंगाल चुके हैं? कुछ ऐसे सवाल हम हमेशा करते रहते हैं। '1768 से 1779 में साइंटिफिक स्टडी यानी ओशनोग्राफी में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा पैसिफिक महासागर को एक्सप्लोर किया गया था। फिर भी हम ये जरूर सोचेंगे कि हम अपनी पृथ्वी को कितना जानते हैं। साल 2000 में NOAA यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यह एस्टिमेट किया गया कि करीब 95% समंदर और 99% ओशन फ्लोर अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, यानी हमें पता नहीं, यानी सिर्फ 1-5% सी फ्लोर हम मैप कर पाए हैं। करीब 65% जमीनी हिस्सा अब तक हम नहीं जानते, जिनमें ड्राई लैंड शामिल है, जिनमें कुछ जगह ऐसी है जहां खतरनाक एटमॉस्फेयर या गवर्नमेंट द्वारा बैन हो जाने से हम पहुंच नहीं पाए, जैसे ब्राजील में मौजूद वेल डो जावेरी, नॉर्थन पेटागोनिया चिली, रशिया में मौजूद कमचटका, म्यांमार का नॉर्थन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स और मेडागास्कर में मौजूद सिनी दी पमरहा नेशनल पार्क या फिर ग्रीनलैंड, जिनमें पृथ्वी के करीब 6 आइसलैंड हमें पता नहीं जो दुनिया के कुछ कोनस पर मौजूद है और वो अब तक अनचार्टेड है, और इनमें करीब 14 आदिवासियों के स्थान है बताए गए हैं। और अब रही बात समंदर की, तो सभी को पता है कि समुद्र तल से 40 मीटर की गहराई पर पहला माइलस्टोन आता है जहां हम सामान्यतः स्कूबा डाइविंग करते हैं, और अगर हम करीब 500 मीटर की गहराई को टच करेंगे तो ब्लू व्हेल मछली की मैक्सिमम डाइविंग लिमिट वहां पर होगी। और अब स्केरी जोन जो करीब 1000 मीटर पर है जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, और लगभग 2000 मीटर पर हमें खतरनाक जीवों का मुकाबला करना है, और मानव द्वारा आखिरी समंदर की गहराई करीब 10,994 मीटर नापी गई है जिसे चैलेंज डीप नाम मिला है, जो वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया था, और उस जगह को माराना ट्रेंच कहा जाता है, और पैसिफिक के नीचे खोजा गया ये पॉइंट मानव द्वारा आखिरी खोज है। कहा जाता है कि समंदर इससे भी गहरा है, पर अनफॉर्चुनेट हम उसे अब तक नोटिस नहीं कर पाए, और आशा है कि हम इसके आगे भी ज्यादा पृथ्वी को जान पाएंगे क्योंकि हमारी ये खोज हमेशा जारी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल री इन्फो को, और पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।